see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. नमस्कार, आज 1 जून 2018 है और आज का जो थॉट ऑफ द डे है वो कुछ इस प्रकार है, विदाउट माई स्ट्रगल आई वुड नेवर हैव डिस्कवर्ड माई स्ट्रेंथ। देखिए, हमें अगर ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है तो हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रगल करते करते, मेहनत करते करते या तो हार जाते हैं या फिर स्ट्रगल करते करते, मेहनत करते करते उसी चीज़ को हासिल करते हैं जो उन लोगों को चाहिए होता है। तो अगर हम लोग ज़िंदगी में कुछ भी सक्सेस हम लोगों को चाहिए तो हमें स्ट्रगल करते रहना है, और ये जो स्ट्रगल का जो फेज़ होता है ये बहुत ही अच्छा एक फेज़ होता है, क्योंकि हम लोगों को इस स्ट्रगल वाले फेज़ में हमको पता चलता है कि हमारी असली ताकत क्या है। यही है आज का थॉट ऑफ द डे। अब बढ़ते हैं आज के हेडलाइंस की तरफ। आज का जो पहला हेडलाइंस है वो कुछ इस प्रकार है, गवर्नमेंट पुट्स FY18 ग्रोथ एट 6.7%। FY18 मतलब फिनेंशियल ईयर जो 18 है, 2018 है, उसी के बारे में बोला गया है, और जो प्रेजेंट हम लोगों का जो GDP ग्रोथ है वो है 6.7%। वो इतने सालों का बहुत ही अच्छा ग्रोथ किया है हमारे इंडिया ने, और GDP वाइज ये बहुत ही ज़्यादा शानदार एक ग्रोथ है। और ऐसा कहा गया है कि मेनली जो मुख्य भाग है इस ग्रोथ का वो आता है मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर से। आज का जो दूसरा हेडलाइंस है वो कुछ इस प्रकार है, राजे डिस्ट्रीब्यूट लोन वेवर पेपर्स। वसुंधरा राजे जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने ये ऐलान किया है कि एक क्रॉप लोन वेवर का स्कीम चलाया जाएगा राजस्थान में, जहां पे 2.93 मिलियन फार्मर्स को इसका बेनिफिट होगा, जिसका जो मेन टोटल कॉस्ट है वो है 8,000 करोड़ रुपए, जो कि स्टेट एक्सचेकर से जाएगा। अब बढ़ते हैं आज के एडिटोरियल्स की तरफ। आज का जो एडिटोरियल है वो कुछ इस प्रकार है, द क्वेश्चन बिफोर पाकिस्तान इज वेदर द केयरटेकर PM कैन मेंटेन हिज रिट ओवर द जुडिशरी एंड द मिलिट्री। ऐसा हम लोगों ने सुना है कि जून या फिर जुलाई में इलेक्शंस होने वाले हैं पाकिस्तान में, जिसके लिए एक केयरटेकर PM ने अपना ऑफिस ज्वाइन किया है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि उन जैसे केयरटेकर एक PM ने क्या जुडिशियरी और मिलिट्री दोनों का भार संभाल पाएंगे, यही कहा गया है एडिटोरियल्स में आज के। अब बढ़ते हैं आज के बिजनेस न्यूज की तरफ। आज का जो बिजनेस न्यूज है वो कुछ इस प्रकार है, अप्रैल इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट ग्रोस 4.7%। देखिए, हमारे गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि पिछले साल जो इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट ग्रोथ था वो था 4.7%, लेकिन इस साल अब तक का जो ग्रोथ है वो है 4.4%, जो कि पिछले साल से बहुत ज़्यादा कम है। ये एक थोड़ा सा सोचने वाली बात है। अब देखते हैं हमारे गवर्नमेंट क्या करते हैं इसके लिए। अब बढ़ते हैं आज के पावर वर्ड की तरफ। कल का जो पावर वर्ड था वो था एब्डिकेशन। एब्डिकेशन का मीनिंग है द एक्शन ऑफ रिनाउंसिंग और रिजेक्टिंग समथिंग। इसका सिनोनिम था रिनाउंसिएशन, रिजेक्शन, रिफ्यूजल, अबैंडनमेंट, एब्डिकेशन। और आज का जो वर्ड है वो है एंडिंग। आप इस वर्ड का मीनिंग ढूंढेंगे, ढूंढ के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और इसका जो मीनिंग है और इसके जो सिनोनिम है ये मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। अब बढ़ते हैं कल की क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस की तरफ। कल का जो सॉल्यूशन था वो कुछ इस प्रकार है, इंडिया टॉलेस्ट स्टोन स्टैचू ऑफ जैन सेज गोमतेश्वरा इज एट श्रवणा बेनागोला, कर्नाटका। In 1945, 50 nations met to phrase the basic charter for a world organization which would save succeeding generations from the scourge of war. This conference took place at San Francisco. In a normal body, the total number of red blood cells is 30 trillion. INS Vendurathi is located at Kochi. In which season do we need more fat? And that is winter. अब बढ़ते हैं आज की क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो क्वेश्चंस है वो कुछ इस प्रकार है, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन पंजाब। इंडिया पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक्स हॉकी इन, इफ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन एंड डिस्टेंस इन मीटर देन द वर्क डन इज एक्सप्रेस्ड इन, हाउ मेनी टीथ डज अ नॉर्मल अडल्ट डॉग हैव, हाउ मेनी रेड ब्लड सेल्स डज द बोन मैरो प्रोड्यूस एवरी सेकेंड।
तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप अपने नोटबुक पे लिखेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप लोग आंसर कर सकते हैं, और इस वाले क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को अगले वाले वीडियो के में शेयर करूंगी। तो तब तक के लिए गाइस हैव अ ग्रेट डे, टिल देन जय हिंद।